Hello students, this is a continued part of the matrices maxima and minima. It's question number 26. Now show that the semi-vertical angle of a right circle cone of given surface area and maximum volume is sine inverse 1 by 3. जो कल फॉर्मूला जो बनाया था फिगर वही फिगर आज फिर बनाइए. This is the H R L. This is the A. This is the angle alpha B C and D. Use pencil for figure. First you explain. Let R be the radius. H be the height. L be the slant height. V be the volume. S be the surface area. Here what is given? That is given surface area. So what is surface area? Pi R square plus pi R L. And volume 1 by 3 pi R square H. This is the 1 and this is the 2. It means convert R in terms of H or H in terms of R with the help of the given quantity. But here given quantity is S, surface area. With the help of the surface area, either find the value of R in terms of H or H in terms of R. But here we see, S mein R two jagah aa raha hai. Isliye better kya hai? Isko convert kariye, H ke liye solve kariye aap. Form 1, S equal to pi R square plus pi R into root of H square plus R square in place of L. Right, root of H square plus R square. This implies S minus pi R square upon pi R equal to root of H square plus R square. But root hatane ki kya hai? Squaring both sides. Squaring S minus pi R square whole square upon pi square R square equal to H square plus R square. We want to solve for H. So let me transfer this R. S square pi square R4 minus 2S pi R square upon pi square R square minus R square equal to H square. Transfer this R square on the other side. This implies take LCM. Pi square R square is the LCM. S square pi square R4 minus 2S pi R square minus pi square R4 equal to H square. It means this implies H square ki value kya rahi hai? S square minus 2S pi R square upon pi square R square. Ab lekin hum volume mein kya hai? Wahan to simple H put karna hai. अब या तो इसका रूट ले लीजिए या फिर वॉल्यूम को स्केलिंग कर दीजिए. अब वहां स्केलिंग करना ज्यादा आसान है, क्योंकि रूट लेंगे तो मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए. इट मींस नाउ वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच. दिस इंप्लाइज वी स्क्वायर इक्वल टू पाई स्क्वायर आर फोर एच स्क्वायर. और इसको हमने क्या एक नया फंक्शन बना दिया एफ. इसका मतलब हमें वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है. तो यदि एफ हमारा मैक्सिमम है तो वॉल्यूम भी हमारा मैक्सिमम होगा. यदि एफ हमारा
मैक्सिमम है तो वॉल्यूम भी मैक्सिमम होगा, इसमें एच स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दीजिए। एक मिनट पीछे करना, इसमें एच स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दीजिए आप। इसमें एच स्क्वायर सॉल्व किया आपने, वी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, एफ इक्वल टू वी स्क्वायर इक्वल टू पाई स्क्वायर आर फोर इंटू एच स्क्वायर, पाई स्क्वायर आर फोर इंटू एच स्क्वायर, यानी एच स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है। नाउ वॉल्यूम, नाउ इंक्रीज द वॉल्यूम राइट एफ, इट मीन दिस द एफ पाई स्क्वायर आर फोर एच स्क्वायर, पाई स्क्वायर आर फोर एच स्क्वायर। एच स्क्वायर क्या है हमारा, एच स्क्वायर माइनस टू पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, इट मीन एच स्क्वायर माइनस टू एस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, इट मीन दिस इंप्लाइज यहां पर पाई स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर भी कैंसिल हो गया टू टाइम्स, इट मीन्स एस स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस टू पाई टू एस पाई आर पावर फोर, दिस इज द फंक्शन है। आगे क्वेश्चन वही करना है, डेरिवेटिव निकालना है, जीरो बनाना है, डबल डेरिवेटिव करना है। नाउ डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू आर, डी एफ अपॉन डी आर इक्वल टू टू एस स्क्वायर आर माइनस एट एस पाई आर क्यूब, टू एस स्क्वायर आर माइनस एट एस पाई आर क्यूब फॉर मैक्सिमा और मिनिमा फॉर डी एफ अपॉन डी आर इक्वल टू जीरो, दिस इंप्लाइज टू एस स्क्वायर आर माइनस एट एस पाई आर क्यूब इक्वल टू जीरो, दिस इंप्लाइज टू कॉमन एस कॉमन आर कॉमन एस माइनस फोर पाई आर स्क्वायर इक्वल टू जीरो, बट एस जीरो नहीं हो सकता आर जीरो नहीं हो सकता, इसमें क्या आएगा एस माइनस फोर आर स्क्वायर इक्वल टू जीरो, आर स्क्वायर इक्वल टू एस अपॉन फोर पाई, तो आर आर स्क्वायर इक्वल टू एस अपॉन फोर पाई, आर स्क्वायर इक्वल टू एस अपॉन फोर पाई, डबल डेरिवेटिव डी टू एफ अपॉन डी आर स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव कर दीजिए आप, टू एस स्क्वायर माइनस ट्वेंटी फोर एस पाई आर स्क्वायर, तो डी टू एफ अपॉन डी आर स्क्वायर एट आर स्क्वायर टू एस अपॉन फोर पाई, पुट कर दीजिए नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ गया, तो देयरफॉर वॉल्यूम इज मैक्सिमम एट आर स्क्वायर इक्वल टू एस अपॉन फोर पाई, दिस इंप्लाइज फोर पाई आर स्क्वायर इक्वल टू एस, दिस इंप्लाइज फोर पाई आर स्क्वायर इक्वल टू आर, एस क्या है पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल, पाई आर स्क्वायर पुट द वैल्यू ऑफ एस, पाई आर स्क्वायर आर एल ट्रांसफर दिस पाई आर स्क्वायर ऑन द अदर साइड, तो क्या आएगा थ्री पाई आर स्क्वायर इक्वल टू पाई आर एल, अब कुछ कैंसिल हो गया, पाई भी कैंसिल हो गया एक आर कैंसिल हो गया, तो बचा गया आर बाई एल इक्वल टू वन बाई थ्री, बट आर क्या है आर बाई एल है क्या ट्राइंगल के अकॉर्डिंग, आर अपॉन एल साइन थीटा, आर अपॉन एल दिस इंप्लाइज साइन एल्फा इक्वल टू वन बाई थ्री, दिस इंप्लाइज एल्फा इक्वल टू साइन इनवर्स वन बाई थ्री, यही प्रूव करना था, सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन इज साइन इनवर्स वन बाई थ्री।